हेलो एवरीबॉडी, आई एम सीए सुरभि बंसल। 1998 में सीए क्वालिफाई करने के बाद से मैं सीए स्टूडेंट्स को तकरीबन 15 ईयर्स से पढ़ा रहे हूँ, और अब नवंबर 2014 ऑनवर्ड्स के लिए मैं ईटन सीए के साथ एसोसिएट हो रहे हूँ। इंटरमीडिएट आईपीसी के लिए ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट के लिए, और सीए फाइनल के लिए एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के लिए, राइट। एंड आज आपका डेमो लेक्चर है। तो आप सभी सीए आईपीसीसी, जिसको पहले हम लोग आईपीसीसी बोलते थे, आजकल हम लोग इंटरमीडिएट आईपीसी बोलते हैं, उसके ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आए हैं, करेक्ट। एंड आई एम सुरभि बंसल, ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं, इसीलिए आप डेमो क्लास के लिए आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑडिटिंग का डेफिनेशन। ऑडिटिंग के डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग ऑडिटिंग की बात करते हैं, तो ऑडिटिंग में हमारे सामने चार की वर्ड्स आते हैं। ऑडिटिंग के डेफिनेशन को याद करने के लिए, ऑडिटिंग के डेफिनेशन में हमारे सामने चार तरह के कीवर्ड्स आते हैं। अगर हम इन चारों कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर जाएंगे, अगर हम इन चारों कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, तो हमारा ऑडिटिंग का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप कहेंगे, मैम एक बात बताइए, आज क्या हम लोग केवल ऑडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल, आज हम केवल ऑडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी डेमो क्लास है और इसमें आपको ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड से रिलेशन, या स्टैंडर्ड के अलावा कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेशन, इतनी चीज़ें नहीं समझ में आ सकेंगी। आज हम केवल बड़ा बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ऑडिटिंग के डेफिनेशन से। लेटर ऑन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से रिलेट होंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में अगर कहीं पर आता है, जो आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट तो है नहीं, तो वहाँ से रिलेट किए जाएंगे, और साथ में कंपनीज एक्ट 2013 से आपके रिलेट किए जाएंगे। तो अब इन सब बातों को छोड़ते हुए, रिलेशन वाली चीज़ को छोड़ते हुए, कहाँ कहाँ से रिलेट होंगे, सीधा बड़ा सिंपल सा आज टॉपिक पढ़ते हैं, ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या है। बेटा जब हम ऑडिटिंग के डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ऑडिटिंग में फर्स्ट कीवर्ड आता है, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। मैम आपने आगे क्या बोला, एंटिटी के आगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आप ना पूछे मैंने एंटिटी के आगे क्या बोला, सिर्फ अभी तक ये समझ लें, मैंने पहला कीवर्ड बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सेकंड कहा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, थर्ड बोला एंटिटी। एंटिटी व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। नाउ अब एक काम करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। आप इन सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ दीजिए, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। देयर ऑन का मतलब किस पर ओपिनियन देना है आपको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर आपको ओपिनियन देना है। इस ओपिनियन दिया, जब आपने इस ओपिनियन देने को आपने क्या बोला कि हमने क्या काम खत्म कर लिया, हमने ऑडिटिंग का काम खत्म कर लिया बेसिकली। अब बच्चे ये जो चारों कीवर्ड्स हैं, इन चारों कीवर्ड्स में बड़ी सारी कहानियां छुपी हुई हैं। चलो जी एक काम करते हैं, एक एक करके चारों कीवर्ड्स को एनालाइज करते हैं। पर एनालाइज करने से पहले मैं फिर से बोलूंगी, एक बार फिर से ऑडिटिंग का डेफिनेशन बनाते हैं। Auditing is an independent examination of financial information of an entity to express an opinion thereon. Thereon का मतलब उस पर, किस पर opinion देना है आपको? आपको financial information पर opinion देना है, correct? चलो जी, अगर इसी definition को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, जो हमें exam में लिखना है पूरा definition, तो auditing is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form. Yani chahe ye entity profit oriented ho, chahe ye entity profit oriented na ho,
चाहे ये कोई भी प्रकार की एंटिटी हो, कोई भी इसका लीगल फॉर्म हो, चाहे ये कंपनी हो, चाहे ये पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे ये एक ट्रस्ट हो, चाहे ये एक इंडिविजुअल हो, चाहे ये एंटिटी बिग साइज एंटिटी हो जैसे कि रिलायंस वगैरह, चाहे ये छोटा साइज एंटिटी हो, पर फिर भी इसको अभी एनालाइज करते हैं एक बार धीरे धीरे। पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट कीवर्ड आया ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नाउ जब हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ऑडिटिंग एक, मेरी एक आदत है बच्चे, मैं ना हिंदी में भी लिख देती हूँ एक्चुअली वर्ड को, राइट? आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यदि मैं कोई हिंदी का शब्द लिखूँ, आप खाली बात सुन लीजिएगा, राइट? चलो जी, तो ऑडिटिंग में हम कैसा काम कर रहे हैं? हम स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, हम अनबायस्ड हैं। अनबायस्ड का मतलब हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम पक्षपात रहित हैं, हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं किसी के लिए भी, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, हम अनबायस्ड हैं। इस तरह से हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, हम किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के भी अधीन रह करके काम नहीं कर रहे हैं, हम अनबायस्ड हैं, स्वतंत्र हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में आकर या किसी के अधीन रह करके हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, राइट? देखिए बच्चे, ऑडिटिंग है ही क्या? आप एक वर्ड को खाली रट्टा नहीं लगाएंगे, आप उस वर्ड को समझेंगे, समझ कर उसको आप अप्लाई करेंगे आगे चलकर। तो चलो, सबसे पहले हमने कहा हम अगर एग्जामिन करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, राइट? लेट सपोज हम ए लिमिटेड के यहाँ ऑडिट करने के लिए गए, तो ए लिमिटेड ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं, जो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाया है, उसका अगर हमको ऑडिट करना है, करेक्ट बच्चे? तो उसके लिए पहला पॉइंट, हम स्वतंत्र तब हो पाएंगे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। यानी अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप, अगर मान लेते हैं आप मिस्टर सी हैं और आप ऑडिट करने जा रहे हैं, ए लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो मिस्टर सी ने खुद ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाए हों। अगर मिस्टर सी ने खुद से ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और खुद ही जाकर के उनको एग्जामिन किया और कहा हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उनमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो एक बात बताओ भला, क्या अपने बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कभी कोई गलत कहता है, कभी कोई गलत ठहराता है? नहीं ना। तो इसीलिए जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे एग्जांपल में मिस्टर सी कौन है? मिस्टर सी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट? तो जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिट करने जा रहे हैं, वो जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो खुद नहीं बनाएंगे। यदि वो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, इस कारण से स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। वो कहेंगे अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैंने बनाए थे, तो अब मैं भला कैसे कह दूं इनमें गलती है, मैं तो यही कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा तो मैनेजमेंट, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट करेगा एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र ऑडिटर। मैम एक बात बताओ, अब इसमें स्वतंत्र की बात कहां से आई? ठीक है, आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम खुद से बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और खुद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम अपने बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी भी गलत नहीं ठहरा पाएंगे, ठीक है? अब दूसरा जो कंडीशन आया वो ये आया कि ऑडिटर का किसी प्रकार से, ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, ऑडिटर का किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसमें? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये जो मिस्टर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर इनका कोई इंटरेस्ट हुआ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में,
तो ये काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब इसके हमें जो एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चे आगे चलकर, क्योंकि आज तो केवल बेस बता रही हूँ, सिर्फ डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, जो हमें आगे चलकर के इनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे. एक तो हमको एग्जाम्पल मिलेगा अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, और एक कुछ क्लॉजेस आती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये मिस्टर ए डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम का रोल प्ले कर रहे हैं ए लिमिटेड में, और इन्हीं के बेटे हैं मिस्टर सी, यानी इन्हीं के सन हैं मिस्टर सी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं. अब पापा आते हैं अपने बेटे के पास और पापा कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो तो आप बताओ, क्या आप हमारी कंपनी, यानी मेरी कंपनी जो है जिसके अंदर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, क्या आप मेरी कंपनी का ऑडिट करोगे? बेटे जी कहते हैं, हाँ पापा बिल्कुल, अहो भाग हमारे जो हमारे पहले क्लाइंट के रूप में हमें आपका काम मिला, बिल्कुल पापा हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाए हैं, आपने अप्रूव किया, उनका ऑडिट ज़रूर करेंगे. अब खैर साहब, मिस्टर सी गए ऑडिट करने के लिए, और ऑडिट किसके यहाँ पर करने के लिए, अपने फादर के एंटिटी, अपने फादर जहाँ पर उनके फादर टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी एंटिटी में ऑडिट करने के लिए गए, ठीक है. या तो पापा डायरेक्टर हैं अगर ये एंटिटी कंपनी है, या तो पापा पार्टनर है अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, करेक्ट जी. चलिए, तो अब इन्होंने, मिस्टर सी ने बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां पाई. अब मिस्टर सी ने बोला, पापा ये बात तो अच्छी नहीं है, आपके द्वारा बनाए गए, आपके द्वारा प्रूव किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तमाम गड़बड़े हैं. पापा बोले, क्या बात करते हो बेटा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है तो भी, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम, खाली एक आपको स्टैंप लगाना है ना और एक रिपोर्ट देनी है, आप स्टैंप लगाइए और रिपोर्ट दे दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. अब बेटे ने कहा, नहीं पापा हम ऐसे गलत दस्तावेजों पर साइन नहीं करेंगे. अब पापा बोले, क्या बेटा आज तुम सीए बन गए हो तो आज तुम ऐसी बात कर रहे हो, भूल गए कि बचपन में मैंने ही तुमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है. अब आप बताओ बच्चे हमें, क्या मिस्टर सी मिस्टर ए की इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? पक्का इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे. यानी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने जा रहा है, यदि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटिव है. मैम ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? बेटा जी मैंने आपको एक जगह पर मेंशन कर दिया कि इसमें से काफ़ी बातें जो हैं अंडर सेक्शन 141 आएंगी, कुछ बातें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में आएंगी, जो सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि अगर आपका किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में, तब ही आप उस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकते हो. यदि आप क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या आप जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके रिलेटिव है और आपने उन पर उनका ऑडिट करने के लिए आप गए, तो आप कभी भी ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे. इस कारण से आपको जब भी ऑडिट करने जाना है, आपको जब भी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करके करने जाना है, तो आपके लिए कैसा होना बहुत ज़रूरी बात है, आपके लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी बात है. और इंडिपेंडेंट के दो उसूल कौन से? पहला उसूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो मैनेजमेंट ने, आप उनको सिर्फ एग्जामिन करोगे. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने जा रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा नहीं. और दूसरी बात, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने जा रहा है उसका किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में, ना तो वो रिलेटिव हो, ना वो अपने क्लाइंट का एम्प्लॉई हो. और ऐसी तमाम बातें हमें कुछ एक्ट्स में मिलती हैं आपके सिलेबस के लिए, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 में मिलती हैं,
और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जितना आपके लिए थोड़ा मोड़ा एप्लीकेबल है उसमें मिलती हैं, करेक्ट। चलो जी, अब बात आई आखिर हम किस चीज को एग्जामिन करने जा रहे हैं। हम अपने क्लाइंट के द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने जा रहे हैं। अब बच्चे एक बात बताओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये तो हमको पी एंड एल अकाउंट से पता चलता है जो क्लाइंट ने बनाया है। अगर हम असेट्स और लाइबिलिटीज की बात करें तो ये पता चलता है बैलेंस शीट से। अगर क्लाइंट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, अगर हम कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करते हैं तो ये पता चलता है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और क्लाइंट ने भला अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी अपनाई हुई हैं, क्लाइंट ने डिप्रिसिएशन के लिए SLM अपनाया है कि WDV अपनाया है, या क्लाइंट ने स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए वेटेड एवरेज मेथड अपनाया है, या फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपनाया है। ये सारी बातें क्लाइंट कैसे बताता है मैंने कौन सी पॉलिसीज, ये चीज़ें वो लिखता है जिसको आप आज तक पढ़ते आए हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो तमाम तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, तमाम तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, खर्चे और इनकम P&L में आ गया, ठीक है जी। असेट और लाइबिलिटीज एक इंफॉर्मेशंस जो हो गई ये बैलेंस शीट में आ गई। कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज, अगर क्लाइंट के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है और वो बनाता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गए। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी अपनाई है, राइट, इसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में हो गया, करेक्ट बच्चे। अब इसका मतलब तमाम तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक जगह पर एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया गया और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैम एक बात बताओ, आखिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है। चलो बच्चे इस बात को भी समझते हैं। ये बनाया एक मान लेते हैं P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट में जो तमाम तरह की सूचनाएं आ रही हैं, बहुत सारे तरह के इनकम के आइटम्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, कितना इंटरेस्ट का इनकम है, खर्चे आ रहे हैं, सैलरी का खर्चा वगैरह, ये सभी है इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मिलाकर इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट किया गया तो बन गया P&L अकाउंट, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, क्लाइंट ने अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और नोट्स टू अकाउंट्स हो गए। इन सभी को मिला करके क्या बोला गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इनमें क्या चीज व्यक्त की गई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बच्चे एक बात बताओ, बात तो एक ही है, आपने एग्जामिन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आपने एग्जामिन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राय व्यक्त की, या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई हुई बहुत अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल सूचनाओं पर राय व्यक्त करी, एक ही बात है। तो चाहे हम डेफिनेशन में वर्ड लिखते हैं ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे हम लिखें ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज आई है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। हम उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई हुई इंफॉर्मेशन है, हम उनको एग्जामिन करने जा रहे हैं ताकि सभी को, सभी स्टेक होल्डर्स को, सारी दुनिया को ये बात पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिमिटेड है, हम ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए गए, ए लिमिटेड ने ईयर 14-15 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जिसमें उन्होंने 14-15 का P&L बनाया, जिसमें उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए और जिसमें उन्होंने एज एट 31/3/2015 का बैलेंस शीट बनाया, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने अपने स्टॉक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को
राइट, अपने सप्लायर्स को जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया हुआ है उस पर्टिकुलर बैंकर को, ठीक है। वैसे ये टॉपिक हम दूसरे टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। सिंपल, उन्होंने तमाम लोगों को अपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किए, तो जो इतनी सारी पार्टीज को उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए उनके दिमाग में डाउट है, पता नहीं कहीं इन्होंने यानी ए लिमिटेड के मैनेजमेंट ने, ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने P&L अकाउंट में कुछ घपलेबाजी तो नहीं की हुई है, कुछ मैनिपुलेशंस तो नहीं किए हुए हैं, कहीं इन्होंने हम लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा तो नहीं किया कि इनकम ज्यादा ज्यादा दिखाई है और एक्सपेंसेस को कम दिखाया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो एक काम करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक इंडिपेंडेंट CA से ऑडिट कराए लेते हैं, करेक्ट। तो इस कारण से हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने जा रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई हुई अलग अलग सूचनाओं को ऑडिट करने जा रहे हैं, उनको एग्जामिन करने जा रहे हैं, ताकि हम सब लोगों को यह राय व्यक्त कर सकें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर यकीन किया जा सकता है या यकीन नहीं किया जा सकता है, करेक्ट जी। चलो जी, तो अभी तक हमने दो कीवर्ड समझे। ऑडिटिंग जब हम करने गए तो हमने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया। हमने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई हुई फाइनेंशियल सूचनाओं को हमने एग्जामिन किया। ये सूचनाएं या ये स्टेटमेंट किसी भी एंटिटी के द्वारा बनाए गए थे। नाउ मैम, किसी भी एंटिटी का क्या मतलब है? बच्चे, एंटिटी के आगे एक्सप्रेशन आते हैं, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज एंड लीगल फॉर्म, एंड लीगल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि ऑडिट केवल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा? आप सोचकर बताइए। नहीं, ऑडिट तो किसी भी प्रकार के लीगल फॉर्म वाली एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो सकता है। ऑडिट तो यानी ये एग्जामिनेशन तो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है, ठीक है जी, एक इंडिविजुअल के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है, ये ऑडिट तो एक ट्रस्ट का भी हो सकता है। यानी एंटिटी कोई भी हो, यदि एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और यदि उनके लिए रिक्वायरमेंट है ऑडिट कराना, या उन्होंने सोचा हुआ है हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराएंगे, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में होगा, CA इन प्रैक्टिस, जाकर वहां पर ऑडिट कर देगा, ठीक है। अब किन के लिए कंपलसरी है, किन के लिए नहीं, ये बातें थोड़ी बाद में है। नाउ, कुछ भी उस एंटिटी का साइज हो, चाहे वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, या फिर वो कोई एक बहुत छोटा सा ट्रेडर हो, कोई बहुत छोटा सा कोई शॉपकीपर हो, उसकी एक छोटी सी पार्टनरशिप फर्म हो, व्हाटएवर इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें मतलब नहीं। चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, प्रॉफिट पर्पजेस के लिए काम कर रही हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही हो, यानी वो कोई चैरिटेबल संस्था हो सकती है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो सकता है, परमार्थ निकेतन ट्रस्ट हो सकता है, इस प्रकार की एंटिटीज भी हो सकती हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहते, कभी भी ऐसा नहीं कहते कि ऑडिट करते हैं हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नहीं जी, ऑडिट हम किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हैं, किसी एंटिटी के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, चाहे वो एंटिटी कोई भी एंटिटी क्यों ना रही हो, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, हमने एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया, एग्जामिन किया, राइट, और इसका करने का जो पर्पस है, ऑडिट करने का जो पर्पस है, वो पर्पस ये है ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी राय, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरी आदत है मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी राय व्यक्त कर सके।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू पर हम लोग अपनी राय व्यक्त कर सकें। मैम एक बात बताओ, अब आखिरकार ये ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है? क्या मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, सही व्यू, अच्छे हैं कि नहीं हैं, ठीक प्रकार का व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। ध्यान लगा करके, प्लीज़ ध्यान लगा करके थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से टॉपिक समझिएगा। हम पहले तो एक निमोनिक बनाते हैं, PRD। आप लोग अपने सैटेलाइट क्लासेस में बात करते हो ना, PRD रिलीज हुआ या नहीं, बट यहाँ PRD का कुछ और मायने है। हम तब कहेंगे कि क्लाइंट के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P फॉर पॉलिसीज, पहले मैं लिख देती हूँ बाद में समझाऊंगी, पॉलिसीज जो अपनाई गई हैं वो पॉलिसीज एक्सेप्टेबल भी हों और कंसिस्टेंट भी हों, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात करते हैं वो उन्होंने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़र हो, और डिस्क्लोज़र ऑल आइटम्स का हो और अप्रोप्रिएटली हो। घबराए नहीं, मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है। उनमें डिस्क्लोज़र ऑल हो और अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट अकाउंट हो, अप्रोप्रिएट अमाउंट हो और अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड हो। ठीक है जी, चलिए जी, अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चे, रट्टा लगाने के लिए तो, याद करने के लिए तो बड़ा सिंपल है। आप कब कहोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेंगे जब उनमें अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्टेबल भी हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कंप्लायंस किया गया है इंटरनल रेगुलेशंस का भी एज वेल एज एक्सटर्नल रेगुलेशंस का भी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑल आइटम का डिस्क्लोजर इन अप्रोप्रिएट अकाउंट, एट अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड इन अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड किया गया है। अब ये सारी ही बातें आपको कुछ भी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ये तो क्योंकि डेमो क्लास है इस कारण से मैं ये किताब सामने नहीं रख रहे हूँ, परंतु किताब में ये सारी बातें लिखी हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सेप्टेबल पॉलिसीज, कंसिस्टेंटली, रेगुलेशन, डिस्क्लोजर, ऑल आइटम, अप्रोप्रिएट। ठीक है जी, आगे जब हम क्लासेस करते हैं तो हम साथ साथ में किताब भी उठा लेते हैं, पर आज इस कारण से नहीं क्योंकि आपके पास किताब होगी नहीं, डेमो क्लास है इस कारण से। नाउ लिसन, पर समझेंगे इसी प्रकार से, निमोनिक्स या ये समझना किताब में नहीं है, किताब में इसी बात का आपको कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, आपको इसी बात का कोरस्पॉन्डिंग सेंटेंस मिल जाता है, करेक्ट? चलिए जी, अब हम जब आए ट्रू एंड फेयर व्यू, अब इस बात को समझते हैं। हम एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उस क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, मैं पहला पॉइंट जो है पॉलिसीज उसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हूँ, उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन किया, वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन उसने कॉस्ट और NRV विच एवर इज हायर पर किया है। अभी कोई स्टूडेंट बोल रहा होगा, नहीं नहीं मैम, विच एवर इज हायर नहीं होता। मैं जानते हैं उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तोड़ा, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, फिर भी यही एग्जाम्पल करना है। अब आप मुझे जवाब दीजिए, जब उसने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV होता तो है विच एवर इज लोअर, पर उसने कर दिया विच एवर इज हायर पर, तो आप मुझे बताओ क्या उसने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये पॉलिसी मानने योग्य है? क्या ये पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा सही बोली गई है जो इस क्लाइंट ने अपनाई है? नहीं, ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना था। यदि आपने पढ़ा हो तो ये बात AS2 में दी हुई है। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो जो मेरे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ाने के साथ साथ कोई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्टली रिलेटेड होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम क्लास में समझेंगे, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है। बट स्टिल आप उसी बात पर आते हैं, क्या ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के द्वारा अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम अपनी ओपिनियन देंगे क्लाइंट के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ट्रू एंड फेयर नहीं है, करेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, हम तब कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जब क्लाइंट के द्वारा अपनाई गई डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्टेबल हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से मानने योग्य हो, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारे क्लाइंट ने अपनाई हो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार सही मानी गई हैं। यदि क्लाइंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताई गई पॉलिसीज का उल्लंघन किया, अगर उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई पॉलिसी को नहीं माना, तो इसका मतलब उसके द्वारा अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम कह देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो जी, अब आता है हमारे सामने सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मतलब पॉलिसी के कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, पॉलिसीज का ही सेकंड एस्पेक्ट। हम तब कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जब क्लाइंट्स ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनाई हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार एक जैसी चलती चली आ रही हैं, पिछले साल के मुकाबले इस साल पॉलिसी में कोई अंतर नहीं आया। अब ये बात तो हुई जितनी बात यहाँ लिखी है, पर इसमें दो बात छुपी हैं, थोड़ा ध्यान देना। हम तब कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जब या तो पॉलिसी कंसिस्टेंट है, ओके, या तो यदि पॉलिसी का चेंज किया गया, इन केस ऑफ चेंज ऑफ पॉलिसी, अगर पॉलिसी को चेंज किया गया तो उस केस में क्लाइंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। मैम इस बात का क्या मतलब है चेंज ऑफ पॉलिसी? चलो जी, अब एक काम करते हैं, 11th 12th क्लास के स्टैंडर्ड और CPT के स्टैंडर्ड की एक बात करते हैं। आपने सबने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, लेट सपोज 13-14 ईयर में एक एंटिटी ने SLM मेथड डेप्रिसिएशन का अडॉप्ट किया हुआ था, करेक्ट ना। अब उन्होंने 14-15 वो ईयर है जिसमें हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना। अब उन्होंने ईयर 14-15 में SLM से शिफ्ट किया और SLM को शिफ्ट करके वो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, बताओ कौन सा वाला पॉलिसी, WDV, चलो जी उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दिया WDV, यानी चेंज ऑफ पॉलिसी। चलो जी पॉलिसी कंसिस्टेंट तो नहीं है, पर आपने CPT लेवल में ज़रूर एक प्रकार का क्वेश्चन किया होगा, SLM से कितना डिप्रिसिएशन आज दिन तक चार्ज हुआ है, यदि WDV शुरू से लगाते तो कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करते, इन दोनों के अंतर को अकाउंट्स में एडजस्ट कर दो और नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे दो कि हाँ जी पॉलिसी SLM से इस साल WDV हो गई है, राइट। ऐसी बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी होती है, यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। आपने मतलब किसने, ऑडिटर नहीं बनाएगा अकाउंट्स, अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है, मैनेजमेंट। तो किसने ये काम ठीक किया है, मैनेजमेंट ने ठीक किया है। चलो जी, तो अगर चेंज ऑफ पॉलिसी हुआ भी क्लाइंट के यहाँ, परंतु उसने इस प्रकार से काम कर लिया, यानी उसने इस चेंज के लिए जितना डिफरेंस था उसका एक एंट्री भी पास कर दिया, एडजस्टमेंट भी कर दिया और इस बात को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी कर दिया, तो भाई क्लाइंट को जो काम करना था वो काम क्लाइंट ने कर दिया। अब जब क्लाइंट ने ठीक काम किया है तो हम यही कहेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। पर
अगर उन्होंने चेंज ऑफ पॉलिसी किया पर उन्होंने ना तो अकाउंट्स में इस बात को एडजस्ट किया ना उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में इस बात को डिस्क्लोज किया, तो उन्होंने यानी क्लाइंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तोड़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तोड़ा, इस कारण से हम कहेंगे नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी के चेंज करने के केस में जिस प्रकार का ट्रीटमेंट अकाउंट्स में चाहिए होता है उन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं किया। चलिए जी, अब मुझे बताइए इतनी बात का आखिरकार हमने क्या मीनिंग निकाला। ध्यान दीजिएगा, हम तब कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जब क्लाइंट के द्वारा अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्सेप्टेबल मानने योग्य हों, ऐसी पॉलिसीज उसने अपनाई हों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार सही हैं, और दूसरी बात या तो पॉलिसी में कोई चेंज न किया गया हो या यदि पॉलिसी में चेंज किया गया है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार इस चेंज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। ठीक है जी, पर अगर पॉलिसी या तो एक्सेप्टेबल नहीं या तो कंसिस्टेंट नहीं तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ट्रू एंड फेयर नहीं है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमें समझ आया पॉलिसीज का एक्सेप्टेबल और कंसिस्टेंट होना। अब हम आए दूसरे वाले पॉइंट पर, हम तब कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो जो भी रेगुलेशंस जो जो भी लॉ के अनुसार नियम कायदे कानून लगने चाहिए थे फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो हुए हों। नाउ रेगुलेशंस में जब आप बात करोगे एक्सटर्नल रेगुलेशंस तो आ जाएगा लॉ, और जब आप बात करोगे इंटरनल रेगुलेशंस तो इंटरनल रेगुलेशंस में अगर हम पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने जाएंगे तो पार्टनरशिप डीड आ जाएगी, अगर हम कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आ जाएंगे, अगर हम ट्रस्ट का ऑडिट करने जाएंगे तो ट्रस्ट डीड आ जाएगी। उनके इंटरनल नियम कायदे कानून और एक्सटर्नल रेगुलेशन गवर्निंग लॉ गवर्निंग स्टैट्यूट की बात आ जाएगी। चलो जी, अब एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं ये जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए भैया बोल रहे हैं मिस्टर सी, ये मिस्टर सी साहब ऑडिट करने के लिए जाते हैं और ऑडिट करने के लिए जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने जाते हैं। ठीक है जी, अब पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनरशिप डीड थी उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, परंतु फिर भी इन्होंने उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार प्रॉफिट नहीं बांटा ईयर 14-15 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त उन्होंने जो भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी थी उनको तोड़ा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं शो किया। बिल्कुल इसी प्रकार से किसी पार्टनर के लिए अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट पर गुडविल का जो ट्रीटमेंट डीड में लिखा हुआ था इन्होंने वो गुडविल का ट्रीटमेंट डीड के अनुसार नहीं किया, यानी इन्होंने अपने इंटरनल रेगुलेशन को क्या किया बच्चे, इन्होंने इंटरनल रेगुलेशंस को तोड़ा। रेगुलेशंस को तोड़ा का मतलब उनको कॉन्ट्रोवीन किया, वायलेशन किया पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए नियम कायदे कानूनों को। हम क्या कहेंगे, नहीं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो नियम कायदे कानून पार्टनरशिप डीड में दिए गए थे इंटरनल रेगुलेशंस में दिए गए थे वो बातें फॉलो नहीं हुई। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि कोई बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है एक्सटर्नल रेगुलेशन, आपने तो अंतर पढ़ा इंटरनल बोले तो डीड और एक्सटर्नल रेगुलेशन बोले तो लॉ, ठीक है, ऐसे ही कोई बात अगर पार्टनरशिप एक्ट में दी है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर डीड साइलेंट हो, अगर डीड में कुछ ना दिया हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आया ध्यान? चलो वेरी गुड, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर भी हमारे क्लाइंट ने जो पार्टनरशिप फर्म को चलाने वाले पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया,
उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट को बोला छोड़ो ना, जो बात लिखी है पार्टनरशिप एक्ट में वो लिखी है, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ऑल्दो डीड इस बारे में साइलेंट है तब भी। तो ये बताओ, उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए एक उसूल को, एक प्रोविजन को तोड़ा, राइट? तब भी हम क्या कहेंगे, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो हम देखेंगे क्या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो पावर्स उनको दी हुई हैं उनको ख्याल रखा है या नहीं, और क्या उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हैं या नहीं बनाए हुए हैं। मैम अपने कंपनीज एक्ट का जिक्र नहीं किया, कौन सा वाला? बच्चे अब देखो, अब अगर आज की क्लास में मैं ले आऊँ ये बात कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 में ट्रू एंड फेयर का जिक्र आता है, जिसको साथ में हमें 133 के पढ़ना पड़ेगा और बाद में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 से रिलेट करना पड़ेगा, तो फिर तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि हम उस चैप्टर पर तो जब तक पहुंचेंगे तब तक हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अच्छे प्रकार से। तो आज तो हम केवल इतनी बात पढ़ रहे हैं, केवल इतनी बात। अगर उन्होंने, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैंने कोई सेक्शंस का नाम लिया था या नहीं लिया था, एक्चुअली है क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बात सेक्शन 129 में भी आएगी, उसी में सेक्शन में कंपनीज एक्ट 2013 का, उसी में 133 का जिक्र भी आएगा, राइट? अब ये बड़ा बेसिक सा मीनिंग आप क्लियर कीजिए, बहुत बेसिक सा मीनिंग। अगर उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो भी नियम कायदे कानून दिए हैं उन सभी का पालन किया तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, और यदि क्लाइंट कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो हम कहेंगे नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, सिंपल एज दैट, राइट? इतना सा कॉन्सेप्ट है अभी तक तो, ठीक है? हाँ, डेफिनेशन वाले पार्ट के लिए एनफ है इतना कॉन्सेप्ट। अब आया लास्ट पॉइंट, डी फॉर डिस्क्लोजर। अगर क्लाइंट ने डिस्क्लोजर किया हो, इस डिस्क्लोजर का मतलब है सभी प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को दर्शाया हो, सभी प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दर्शाया हो, सारे एक्सपेंसेस जहां आने चाहिए थे जिस प्रकार से दिखाने चाहिए थे वैसे दिखाए हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न डिडक्ट करके शो करना था तो उसको डिडक्ट करके ही शो किया है, तो इन्होंने ऑल आइटम्स को डिस्क्लोज किया है, दैट टू अप्रो अप्रोप्रिएटली उसको डिस्क्लोज किया है। मैम अप्रोप्रिएटली का क्या मतलब है? बच्चे अभी बात करेंगे, यानी उन्होंने कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं इसको इस प्रकार से बोलती हूँ, ना तो कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने से छूटी है, ना कोई इंफॉर्मेशन झूठी है, ना तो कोई इंफॉर्मेशन छूटी है, यानी सभी प्रकार के आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गए हैं। ये नहीं कि आपने खर्चा था 5 लाख रुपए का, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे वो 5 लाख रुपए के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक नहीं किए, उसमें शो नहीं किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अप्रोप्रिएटली जो इन्फॉर्मेशन जिस जगह शो होनी चाहिए, जिस प्रकार से आनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वहीं पर उन्होंने डिस्क्लोज की हुई है। अप्रोप्रिएटली का मतलब अप्रोप्रिएट अकाउंट में कैपिटल को रेवेन्यू नहीं दिखाया, रेवेन्यू को कैपिटल नहीं दिखाया, appropriate अमाउंट पर कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अगर 13 मंथ्स का रेंट दिया है क्लाइंट ने तो उसने P&L अकाउंट में बुक केवल 12 मंथ्स का ही किया हुआ है, 1 मंथ का रेंट पेड इन एडवांस की तरह से दिखाया है। जाहिर सी बात है जो क्लाइंट को करना चाहिए था वो काम क्लाइंट ने किया है, बिल्कुल सही अमाउंट पर उसने अपना खर्चा बुक किया है, सही अकाउंट में सही अमाउंट पर और सही टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड की बात भी आ गई इसी एग्जांपल में, 13 मंथ्स का रेंट दिया है तो इस साल कितने मंथ्स का रेंट वो बुक करेगा? जाहिर सी बात है 12 मंथ्स का रेंट वो बुक करेगा, 1 मंथ का रेंट पेड इन एडवांस की तरह से शो करेगा। तो क्लाइंट ने सारी इंफॉर्मेशन दिखाई है और सही प्रकार से इंफॉर्मेशन को दर्शाया है, जहां जिस अकाउंट में आना चाहिए, जिस अमाउंट पर आना चाहिए और जिस टाइम पीरियड में आना चाहिए, उस टाइम पीरियड में। अब
अगर हमने क्लाइंट के यहाँ जाकर पाया कि क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त इन सब बातों का, और सब बातों का मतलब PRD का ख्याल रखा है, उसके द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज एक्सेप्टेबल भी हैं और कंसिस्टेंट भी हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त लगने वाले नियम कायदे कानून, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, उनको फॉलो किया है, और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में डिस्क्लोज की है, कोई इन्फॉर्मेशन उसने छोड़ी नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन उसने सही प्रकार से दर्शाई है, तब हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। पर यदि इनमें से कोई भी बात टूटी, पॉलिसीज एक्सेप्टेबल नहीं हुई या डिस्क्लोजर ऑल आइटम का नहीं किया, फिर हम नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है। फिर हम कहेंगे नहीं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, ऐसा बोलकर। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके समझ में थोड़ा सा ऑडिटिंग का डेफिनेशन वाला पार्ट जो हमने बोला ये आया? अब हम सारे कीवर्ड्स को मिला देंगे तो फिर वही बात डेफिनेशन बन गया। एक बार रिवाइज करते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस बात का है? ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनाए हैं किसी एंटिटी ने, और क्या करने हम जा रहे हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद, हम उन सूचनाओं पर और वो सूचनाएं जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई हैं उन पर अपनी ओपिनियन व्यक्त करने जा रहे हैं। अब बच्चे एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा कौन? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा ऑडिटर? नो, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कौन से नियम कायदे कानूनों को ध्यान रखेगा? ऑडिटिंग के नियम कायदे कानून ध्यान रखेगा मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, या अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून? जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को उसने ध्यान रखा होगा और साथ साथ में उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखा होगा। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का पहला उसूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हो मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हो, हम अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी भी बनाएंगे नहीं तो हम अपने ही द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी ही राय अगर व्यक्त करेंगे तो वह राय हम गलत दे सकते हैं। दूसरी बात, हमारा कोई इंटरेस्ट, ऑडिटर का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में, ना वो क्लाइंट का रिलेटिव है, ना वो क्लाइंट का एम्प्लॉय है, और ऐसी तमाम बातें जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में दी हुई हैं। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हम होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज इन P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, तरह तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, असेट्स का डिटेल, लाइबिलिटीज का डिटेल, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब आए हुए हैं। तीसरा पॉइंट, एंटिटी, हम किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करने जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, ये एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसका कोई भी साइज हो सकता है और कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है, और हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, और हम तब कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आए हुए जो भी PRD की हम बात करेंगे वो बिल्कुल सही प्रकार से उनका ट्रीटमेंट आया हो, यानी P फॉर पॉलिसीज, R फॉर रेगुलेशंस और D फॉर डिस्क्लोजर। तो पॉलिसीज एक्सेप्टेबल भी हो और कंसिस्टेंट भी हो, रेगुलेशन इंटरनल और एक्सटर्नल को ध्यान रखा गया हो और डिस्क्लोजर हो ऑल आइटम्स का एप्रोप्रिएटली, एप्रोप्रिएट अकाउंट में, एप्रोप्रिएट अमाउंट पर और एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड में, यदि इन सब बातों का ख्याल रखा तो हम कहेंगे यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं।
अब आप बताइए ऑडिटिंग का डेफिनेशन नाउ। अब बच्चे अगर हम आगे चल करके देखिए, ये था सिर्फ ऑडिटिंग का डेफिनेशन कि हम अपनी ओपिनियन देते हैं, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब हम ओपिनियन की बात करेंगे तो आगे चलकर ये इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक था। आगे चलकर ओपिनियन और ये ट्रू एंड फेयर व्यू जो है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है हम पढ़ेंगे 700 उसमें भी आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत भी, क्योंकि अब आपके लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129 में भी रिफ्लेक्ट होगा ये सारी की सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी इसका जिक्र आएगा। तो इस बात का जिक्र इतना सा नहीं रह जाएगा, फिर हम आगे आगे धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करते चले जाएंगे, राइट, कि ट्रू एंड फेयर व्यू कहाँ 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 बोला गया है और कंपनीज एक्ट में, ठीक है जी, 2013 में इस बात को रिलेट करेंगे हम। तो आज के लिए आपका सिर्फ ये ओपिनियन वाला टॉपिक था, पर एक छोटा सा टॉपिक और आपसे डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ में आपको थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में या थोड़ा सा अपनी क्लासेस के बारे में और गाइड कर दूंगी कि यदि आप क्लासेस लेते हैं तो आपको क्लासेस में किस तरह से पढ़ाया जाता है या किस तरह से क्लासेस चलेंगी वगैरह वगैरह। देखो बेटा, बस एक बात का मुझे अब जवाब देना प्लीज़, कोशिश ज़रूर करना आपके दिमाग में बात आए, ये बताओ अकाउंटिंग किसने किया और ऑडिटिंग किसने किया। अकाउंटिंग ऑडिटर ने किया, अकाउंटिंग का काम कौन करे, अकाउंटिंग का काम, करेक्ट, आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई, अकाउंटिंग का काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, जबकि ऑडिटर क्या काम कर रहा है, वो ऑडिट का काम कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट का काम कर रहा है, वो कभी भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं जा रहा है। जो अकाउंट्स बनाएगा मैनेजमेंट, वो फॉलो करेगा AS को, जैसे अभी हमने पॉलिसीज का बात किया वगैरह वगैरह का, मैनेजमेंट फॉलो करेगा AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, और एज ऑडिटर हम फॉलो करेंगे SA का मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, यानी कभी भी मैनेजमेंट SA को फॉलो नहीं करता, SA को फॉलो कौन करता है, जो इंसान ऑडिटिंग कर रहा होता है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त SA कभी फॉलो नहीं होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या चीज़ फॉलो की जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से ऑडिटिंग करते वक्त क्या चीज़ फॉलो की जाएगी, SA को फॉलो किया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया जाएगा। तो अगर मैं आपसे ट्रू फॉल्स पूछूँ, आप मुझे ट्रू फॉल्स बताइए, क्या अकाउंटिंग करते वक्त व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मैनेजमेंट को SA फॉलो करने होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, ट्रू, फॉल्स है। अकाउंटिंग करते वक्त मैनेजमेंट केवल किसको फॉलो करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, SAs किसके लिए हैं, SAs आर बेसिकली फॉर द ऑडिटर्स टू बी फॉलोड। हाँ, ये बात अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी और SAs भी, ये दोनों ही किसके प्रोनाउंसमेंट्स हैं, ये दोनों ही सारी किए हैं ICAI ने, पर दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। अकाउंटिंग करते वक्त मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाएगा, ऑडिट करते वक्त ऑडिटर SA अपनाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते वक्त कभी भी SA नहीं अपनाएगा, और ऑडिटर ऑडिट करेगा तो SA अपनाएगा, राइट, वो बस ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है जी। चलिए अब बच्चे, आज का ये केवल डेमो सेशन में आपका एक ही डेफिनेशन वाला पार्ट मैंने टेकअप किया, मैं आपको थोड़ा सा क्लास के बारे में बता देती हूँ। देखिए बच्चे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं दो बातों में यकीन रखती हूँ। पहली बात, आप अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए, और साथ साथ में
कुछ आपके पास में ऐसी टेक्निक्स आए, जैसे कि ये पीआरडी वगैरह, जिन टेक्निक्स और जिन एग्जांपल्स की हेल्प से आप कीवर्ड्स को लर्न कर सको। तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बस जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, हाँ जी ऑडिटिंग का मतलब ये है, या हाँ जी ठीक है मैनेजमेंट एसए को कभी फॉलो नहीं करता, ऑडिटर होता है जो एसए को फॉलो करता है, मैनेजमेंट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है अकाउंट्स बनाते वक्त पर, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं और कीवर्ड्स आपके दिमाग में रह जाते हैं कुछ निमोनिक से, कुछ कहानियों से जो हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में आपके दिमाग में जो हम क्लास में फ्लो चार्ट्स बनाएंगे वो फ्लो चार्ट्स रह जाते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके टॉपिक बना सकते हो, बिल्कुल आराम से आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। जब हम फेस टू फेस बैचेस लेते हैं या सैटेलाइट बैचेस लेते हैं, मुझे आज भी अच्छा लगता है कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो बात करते हैं वहाँ पर, जैसे स्टूडेंट्स के 80s में भी मार्क्स आते हैं, 90s में भी मार्क्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मेरी वजह से आते हैं, ओ नो प्लीज़, हम तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स अपने आप अपनी मेहनत भी जो करते हैं, क्लास में ध्यान लगा करके सुनेंगे, जब ध्यान लगा करके सुनोगे तो बात दिमाग में भी रहेगी, जब बात याद रहेगी तो उसी बात को, किताब तो इतनी मोटी मोटी किताब कोई रट्टा नहीं लगा सकता ना, उसी बात को आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में व्यक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट तरीका है। आप जिन भी स्टूडेंट्स के 80s में 90s में मार्क्स आ रहे हैं आप उनसे पूछिए, तो यही एक तरीका है रैंक होल्डर्स के लिए भी और जिनके हाई स्कोर आ रहे हैं उनके लिए भी, कि किताब को रट्टा मत लगाओ कभी भी, कॉन्सेप्ट समझो। कुछ चीज़ें जहाँ पॉइंट्स याद करना ज़रूरी है वहाँ पर आप रट्टाफिकेशन के लिए टेक्निक ज़रूर बनाइए, बट समझने की कॉस्ट पर नहीं, ठीक है। तो हमारा तरीका ये रहता है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा जोर डालते हैं साथ में एग्जांपल्स पर। अब आपके सिलेबस में 34 बस 34 ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है अभी तक। वैसे जो भी अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट के अनुसार आरटीपी में जो एप्लीकेबिलिटी के लिए लिस्ट आ जाती है कि ये चीज़ें एप्लीकेबल है, उतनी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। बस 34 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है तो हम ये 34 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कराएंगे। कोई कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसा है जिसमें किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिक्र आता है, जैसे एसए 560 में जिक्र आता है सीधा सीधा AS4 का, तो जो जो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हम लोग क्लास में कवर करेंगे। अब आपको पता ही होगा आपके लिए, अब ऑडिटिंग के लिए कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो है वो एप्लीकेबल है, राइट नाउ। सो कंपनीज एक्ट 2013, और इस पर केस स्टडीज भी बहुत आती हैं, स्टैंडर्ड्स पे से भी केस स्टडीज आती हैं। तो जहाँ पर केस स्टडीज और फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग फ्लो चार्ट्स और केस स्टडीज की हेल्प से प्रैक्टिस करा करेंगे, ठीक है जी। लास्ट में आपका मॉक टेस्ट होएगा, पर बीच बीच में ठीक है रिविजन्स, कुछ थोड़े मोड़े क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए, कुछ चीज़ें आपने मुझे जवाब दिया, ये चीज़ें तो चलेंगी ही चलेंगी, राइट। तो हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मुझे जो लगता है ऑलमोस्ट 30 से लेकर 32 क्लासेस के बीच में आपके कुछ भी नंबर ऑफ क्लासेस लग सकते हैं, 30, 31, 32 एनी वेयर, राइट। तो 30 से लेकर 32 के बीच में आपके कुछ नंबर ऑफ क्लासेस लगेंगे और इनमें आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मेजर पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, जैसे आपने डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, एक ही पढ़ी आज तो डेफिनेशन ऑडिटिंग की। हाँ आज मैं रिलेट नहीं करा सकती इसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 129 से 133 में क्या लिखा है और एसए 700 में क्या लिखा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वगैरह के लिए, ओपिनियन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको हम धीरे धीरे आगे इन्हीं चीज़ों के हिसाब से काम करेंगे। चलिए जी, थैंक यू।